इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के डायरेक्टर और सीईओ किरण जाधव और उनसे समझते हैं आज आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। किरण, कल हमने देखा 7800 के ऊपर हम निकल तो पाए, लेकिन आज फ्राइडे के सत्र में इस लेवल को होल्ड करना कितना अहम है और आज क्या सलाह होगी निफ्टी ट्रेडर्स के लिए? अच्छा जी, मॉर्निंग। बेसिकली कल का जो मूव हमने देखा उसमें वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं थे, तो मेरे ख्याल से कल की मूव सिर्फ पुल बैक रैली के तौर पे देखनी चाहिए, उसमें कुछ बहुत ज्यादा रीडिंग नहीं करना चाहिए। आज के लिए ट्रेंड डिसाइडर लेवल 7800 ही होगा जैसे आपने कहा, और 7800 के नीचे अगर हम कंसिस्टेंटली स्पॉट निफ्टी ट्रेड करता है तो बहुत बड़ी वीकनेस देखने को मिल जानी चाहिए। तो अगर किसी को ट्रेड इनिशिएट करना है तो सेल मोड में ही चलना चाहिए और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 7730 से लेके 7750, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो इन लेवल्स के करीब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 7840 से लेके 7860 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट 7750 के करीब आपके देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो थोड़ी बहुत फिसलन आती हुई दिखाई दे सकती है। किरण, ऐसे में फिर क्या स्टॉक्स में बिकवाली की पोजीशन आप लेंगे? क्या है आपके दो कॉल्स? दो केमिकल स्टॉक्स है जहाँ पे हमने बहुत अच्छी पॉजिटिव डाइवर्जन देखी है। पहले जेबी केमिकल्स है जहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अच्छा सपोर्ट था करीबन 277 का जो कि पहले रेजिस्टेंस था और इसके कारण आपको स्टॉप लॉस करीबन 274 का रखना चाहिए और एक छोटा सा हल्का रेजिस्टेंस है 298। अगर इसके ऊपर चलता है तो आपको 319 का टारगेट इमीडिएटली देखने को मिल जाना चाहिए। दूसरा है यूनिकेम लैब जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस 290 का रखना चाहिए और 327 का टारगेट होगा। ओके, तो यूनिकेम और साथ ही साथ जेबी केमिकल्स, ये इनफैक्ट रेडार पर है किरण के, जहाँ पर तेजी के सौदे आते हुए दिखाई देंगे। शुक्रिया किरण इस जानकारी के लिए। तो ये दो कॉल्स जहाँ पर जेबी केमिकल्स और यूनिकेम में तेजी की सलाह किरण ने दी है, बाकी जानकारों के रेडार पर कौन से ट्रेड्स हैं और किस तरह का फिर रुझान